नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। डायबिटिक पेशेंट्स में टाइम के साथ जो ब्लड सप्लाई है पांव की, वो कम होती जाती है, और जिसकी वजह से जो पांव की नसें हैं वो डैमेज हो जाती है, और इसी कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट में कई टाइप के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि पेशेंट के पाँव में पेन फील होता है या जलन फील होती है, कई बार पाँव में सूनापन आ जाता है। और ये बीमारी जो है वो स्टार्ट होती है पाँव के टोज से, जो पाँव की उंगलियां होती है वहाँ से स्टार्ट होके धीरे धीरे ऊपर की साइड पाँव में एडवांस होने लग जाती है और काफ्स को, एंकल्स, इन सबको इन्वॉल्व कर लेती है। और कई केसेस में जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके हाथों में भी इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो आने लग जाते हैं। और डायबिटिक न्यूरोपैथी बढ़ने के कई कारण भी होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, ट्राइग्लिसराइड जो कि एक टाइप का फैट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ और मोटापा, ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो रिस्क है इसे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी को कैसे डायग्नोज करा जाता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के डायग्नोसिस के लिए ज़्यादातर केसेस में एडवांस्ड जांचें, जैसे कि नर्व बायोप्सी, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ या फिर इमेजिंग स्टडीज़ जिसमें कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन आता है, इन एडवांस जांचों की ज़रूरत ज़्यादातर केसेस में नहीं पड़ती। और डॉक्टर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से और पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डायबिटिक न्यूरोपैथी का डायग्नोसिस बना लेते हैं। और मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में पूछता है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और इन सिम्टम्स का दूसरे फैक्टर्स के साथ क्या एसोसिएशन है, ये डॉक्टर्स पूछते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर पांव का एग्जामिनेशन करते हैं और कई साइंस के बारे में असेस करते हैं, जैसे कि पेशेंट के अंदर मूवमेंट और टच के सेंसेशन, पेन के सेंसेशन, टेम्परेचर के सेंसेशन, वाइब्रेशन सेंस, ये पेशेंट फील नहीं कर पाता। तो मेडिकल हिस्ट्री से और फिजिकल एग्जामिनेशन से ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर्स डायबिटिक न्यूरोपैथी को पहचान जाते हैं, इसका डायग्नोसिस बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है एडिक्वेट ब्लड शुगर कंट्रोल, यानी कि पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो नियर नॉर्मल रहना चाहिए। और कई बार ये पाया गया है कि एडिक्वेट ब्लड शुगर कंट्रोल से ही पेशेंट के अंदर पेन के और ये बर्निंग के जो सेंसेशन होते हैं ये सही हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अपना जो सेल्फ एग्जामिनेशन फुट का, वो रोज़ करना चाहिए। पेशेंट को अपने पाँव में इंजरीज़ के लिए, अल्सर्स के लिए, ब्लिस्टर्स के लिए, यानी कि छाले और फफोलों के लिए या फिर ब्रोकन स्किन हो, इसके लिए रोज़ एग्जामिनेशन करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा भी पेशेंट को डॉक्टर के पास जाके अपने फीट का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू मैनेज पेन इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जो ज़्यादातर दवाइयाँ हैं वो या तो एंटी डिप्रेसेंट क्लास को बिलोंग करती है या फिर एंटी सीजर जो मेडिकेशंस है, यानी कि मिर्गी के अंदर जो दवाइयाँ काम में ली जाती है, इस क्लास को बिलोंग करती है। और एंटी डिप्रेसेंट और एंटी सीजर के नाम से ही कई बार पेशेंट्स इन दवाइयों को अपने आप बंद कर देते हैं या फिर इन दवाइयों की जो डोज है उसे कम कर देते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट्स को पेन में ढंग से रिलीफ नहीं मिल पाता। इसके अलावा कई बार डॉक्टर्स भी इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि नींद ज़्यादा आना, चक्कर आना, कन्फ्यूजन होना, इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो डॉक्टर्स हैं इन दवाइयों की जो डोज़ है उसे एडिक्वेट लेवल तक बढ़ाते नहीं हैं, और इस वजह से भी पेशेंट में कई बार प्रॉपर पेन में रिलीफ नहीं मिल पाता। तो अगर इन दवाइयों को, पेन मैनेजमेंट में जो मेडिकेशंस काम मिल जाती है, इन दवाइयों को एडिक्वेट डोज में लिया जाए तो पेशेंट को ज़रूर पेन के अंदर आराम मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं पेन रिलीफ के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस को यूज़ करा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नाम की ड्रग क्लास के बारे में। ये भी एक टाइप की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, और इस ड्रग को लो डोज में स्टार्ट किया जाता है और इसे बेड टाइम में दिया जाता है, और वीक बाय वीक इस ड्रग का जो डोज है उसे एस्केलेट करा जाता है। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को
हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उसमें नहीं दिया जाता। बाकी इसे डुलोक्सेटीन नाम की एक और एंटी डिप्रेशन ड्रग है, उसके साथ भी इसे नहीं दिया जाता। इसके अलावा प्रीगाबलिन और गाबापेंटिन नाम की जो मेडिकेशंस हैं इनके साथ इसे दे सकते हैं हम। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफ़ेक्ट्स में मुंह सूखना, कॉन्स्टिपेशन होना, कन्फ्यूजन, नींद ज़्यादा आना, चक्कर आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को अगर अच्छी डोज में, एडिक्वेट डोज में यूज़ करा जाए तो ये पेन रिलीफ में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो ड्रग है वो है डुलोक्सेटीन। डुलोक्सेटीन भी एक टाइप की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है और इसे भी लो डोज में स्टार्ट किया जाता है, बाकी इसे दिन में एक या दो बार दिया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन, भूख कम लगना, नींद ज़्यादा आना, चक्कर आना। अब हम बात करते हैं एंटी सीजर क्लास ऑफ ड्रग्स जिन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर पेन रिलीफ में काम लिया जाता है। तो पहली जो ड्रग है इसमें वो है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन को दिन में 3 बार दिया जाता है और गाबापेंटिन की वजह से पेशेंट को कई बार नींद ज़्यादा आती है या फिर चक्कर आते हैं, जो कि इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरी जो ड्रग आती है वो आती है प्रीगाबलिन। इसे लो डोज में रात के टाइम, बेड टाइम इसे स्टार्ट कर दिया जाता है और इसे भी दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। इस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं वज़न बढ़ना और पाँव में सूजन आना, बाकी नींद ज़्यादा आना या फिर चक्कर आना, ये इन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट हैं। और प्रीगाबलिन और गाबापेंटिन है, इन दोनों ड्रग्स को आप ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं उसके साथ इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिडोकिन नाम की एनेस्थेटिक ड्रग है, इसे भी पैच के फॉर्म में पेन रिलीफ में काम लिया जाता है। तो लिडोकिन के जो पैच है उसे पेशेंट जहाँ भी ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है उस जगह पर इस लिडोकिन पैच को चिपका दिया जाता है और इस पैच का जो असर है वो 12 घंटे तक रहता है। तो ये थी कुछ जानकारी डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। और ट्रीटमेंट के सेक्शन में मैंने डोसेज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा है, मैंने ड्रग नेम्स के बारे में डिस्कस करा, इनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं। पर डोजेज मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपका जो प्राइमरी डॉक्टर है वो आपकी कंडीशन को देख के, आपकी प्रेजेंट कंडीशन को देख के डोजेज आपका, आपकी प्राइमरी डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहीं तक था आज का हमारा ये डिस्कशन। और हेल्दी रहिए, अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।